आई हूँ। मुझे काम की जरूरत है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। साहब कुछ खाने को मिलेगा? अंदर आइए ना। अरे अरे, आप ऊपर बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ साहब, मैं दो दिन से बहुत भूखी हूँ। साहब कुछ खाने को दे दो। कहाँ से आई हैं आप? साहब पीछे वाले मोहल्ले से आई हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सबीता। सबीता, साहब अच्छा मुझे काम दे दीजिए। साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ। काम का सोचते हैं कुछ। वैसे पहले काम किया आपने कुछ? हाँ साहब, पहले मैंने काम किया है यही मोहल्ले में। पीछे 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 कौन सी बिल्डिंग में किया आपने? वो मिश्रा जी की बिल्डिंग है ना। अच्छा हाँ, उसमें तो बहुत वीआईपी लोग रहते हैं। साहब मैं सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कर लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है। साहब आप मुझे काम दे दीजिए। साहब वैसे पहले उस बिल्डिंग में किसके यहाँ किया था आपने? मिश्रा जी है ना, उनके घर पे काम किया था। अच्छा, मिश्रा जी के यहाँ। चलो अच्छी बात है। काम का कितना देते थे वो? साहब 3,000 देते थे। 3,000? आपको तो पता कि पहले लॉकडाउन लगा था तो हमारा भी काम काफी डाउन चल रहा है। यदि हम आपको रखेंगे तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। साहब आप कम दे देना। 2,000 पर साहब आप मुझे सिर्फ काम दे दीजिए। काम दे देंगे। वैसे कुछ खाना वाना खाया आपने? नहीं साहब, मैं 3 दिन से भूखी हूँ साहब। तो आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। जी साहब। अच्छा ठीक। घर तो बहुत अच्छा है। ये लीजिए चाय और कुछ खाने को। धन्यवाद साहब। मैंने पहली बार बनाई, पता नहीं कैसी बनी है। वो पहले हमारी बाई थी ना, उनका घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो वो चली गई। तो मैं तो वैसे होटल से मंगवाता हूँ, पर आप आ गई हैं तो चाय बहुत अच्छी है साहब। और कुछ खाना वाना? खाना वाना साहब, साहब भूख तो लगी है साहब। अच्छा चलिए, चावल बनाए थे मैंने अभी, पर आप चाय पीजिए, उसके बाद कुछ बनाते हैं। साहब आप मुझे काम दे दीजिए। काम का मैंने बताया ना आपको, 2,000 में चलेगा तो? हाँ चलेगा साहब। अच्छा ठीक है। वो ये साड़ी को क्या हो गया? ये इतनी गंदी कैसे हो रही है? क्या बताऊँ साहब, कीचड़ में से आ रही है। एक महीने से धुली नहीं है इसलिए। ओ, इसमें कीचड़ भी लगा है, पहले बारिश भी हुई थी। हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं, आप कुछ कपड़े पड़े हैं अंदर, आप चेंज कर लीजिए। मैं चावल तो बना है, दाल भी बना देता हूँ। साहब मुझे काम तो दे देंगे ना आप? हाँ काम तो दे ही देंगे। वैसे आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा किसी का? हाँ जी साहब, वो हमारे मिश्रा जी हैं, मैं उनको लेके आ जाऊंगी। वो पता है ना आपको कि नए लोगों को रख लेते हैं, फिर कहीं कुछ हो जाए तो हम बाहर के हैं ना, चोरी वोरी हो जाए तो, समझ रहे हैं ना आप? जी साहब। साहब मैं, आप चाहो तो मैं अभी से काम शुरू कर देती हूँ साहब। हाँ कोई बात नहीं, आज तो मैंने कर लिया है, खाना भी बना लिया है, साफ सफाई भी थोड़ी बहुत की मैंने जैसी हो पाई मेरे से। पर अभी तो आप पहले कपड़े चेंज कर लीजिए। हाँ, और मैं आपके खाने का कुछ करता हूँ। हाँ जी साहब। चलिए ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। देखो मैंने साड़ी पहनी है। अरे वाह, अच्छी लग रही हैं आप। धन्यवाद साहब। शर्माइए मत, खाइए खाइए। वैसे ये साड़ी मैंने दीदी के लिए ली थी, वो बाहर चली गई हैं तो। अरे खाइए ना। वैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ और आप आ गई तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। वैसे बस मैं अब निकलने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। हाँ साहब आप जाइए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। हाँ पूरा काम कर देना। और खाने में क्या बना सकती हो? छोले चावल। अरे वाह, वो तो मेरा फेवरेट खाना है। हाँ? आपको भी पसंद है? हाँ बहुत। हाँ चलो वो बना लेना, और कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन कैसे करोगी? चलो कोई ना, मैं आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जी साहब, मैं शाम को 8 बजे आ जाऊंगा। ठीक है तो मैं निकलता हूँ, काम वाम जो भी हो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? हाँ जी साहब जी। ओके।
जी साहब। अरे वाह, कितना साफ साफ लग रहा है आज सब कुछ। हाँ साहब, मैंने सारा काम कर दिया है। वाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत थक गया आज मैं। लगता आज आपने बहुत काम किया, बड़ा साफ साफ लग रहा है। साहब मैं आपके लिए पानी लेकर। हाँ यार पानी पिला दो यार, बहुत थक गया हूँ मैं। ये लीजिए साहब। हाँ थैंक यू, आप भी बैठ जाइए ना। हाँ जी साहब। अरे बैठो ना, बैठिए ना, आइए बैठिए यहाँ पर। आपकी खूबसूरती के हिसाब से ना मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। सच्ची? हाँ, अब आपकी स्माइल इतनी प्यारी है तो कुछ लेकर आना ही पड़ेगा ना। पहले आंखें बंद करो। खोलो आंखें। अरे ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। अब इतने खूबसूरत लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। साहब आप कितने अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। क्या साहब आप भी। अच्छा आज तो ना मेरा ऑफिस में मन ही नहीं लगा। मैं तो सोच रहा था कि कब घर जाऊं और कब आपको देखूं। साहब आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। बातें अच्छी करनी पड़ती है ना जब अच्छी लड़की सामने हो तो। साहब मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। खाना बाद में खाएंगे ना। साहब छोले चावल बनाए हैं। खाएंगे ना बाद में। क्या साहब आप भी। वैसे क्या किया आज दिन भर। काम तो बहुत किया होगा, वो तो दिख ही रहा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बहुत मिस किया। साहब मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो ले आओ। ये लीजिए साहब। थैंक यू, भूख भी बहुत लगी थी मुझे आज। अरे वाह खाना तो बहुत टेस्टी बना है। धन्यवाद साहब। एकदम तुम्हारी तरह, सच में बहुत स्वादिष्ट। क्या साहब। आपने खाया खाना। आप खाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। साहब हाँ। अरे लेती रहिए, आप थक गए हैं ना। हाँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। साहब कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। आप कैसी तबीयत है साहब। तबीयत तो रंगीन हो गई तुम्हें देखकर। आपका सर दबा दूं साहब। हाँ दबाओ ना, दबाओ ना। तुम दबाओगी तो अच्छा लगेगा, तुम्हारे छूते ही जादू सा लगता है मुझे। आप भी ना साहब। तुम्हारी आंखें सुंदर बहुत हैं। साहब हाँ? आपको तो बुखार है। हाँ वो आज दिन भर ऑफिस में बहुत काम किया ना तो, पर तुमने छुआ है तो बुखार गायब होने लगा है अभी। साहब आप कितने अच्छे हैं। तुम भी तो कितनी अच्छी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ऑफिस में ना बहुत बोर हो गया मैं। तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मैं, तुम्हारी इस खूबसूरती को तो, और तुम्हारी यादों को मिस कर रहा था। सच्ची? साहब आप बहुत अच्छे हैं। साहब मैं पहले जहाँ काम करती थी ना वो सब बहुत बेकार थे साहब। अपनी बीवी को अच्छा? इतना मारते थे ना साहब, मुझे तो बहुत डर लगता था। उसकी बीवी तुम्हारी जैसी नहीं होगी ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं साहब। और तुम्हें तो नहीं मारा कभी साहब ने। नहीं साहब। वैसे तुम्हारा क्या इरादा है बोलो।